हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। आज मैं एक ग्लास रसबेरी से आपको 2 से 3 ग्लास जूस निकालना बताऊंगी। किस तरीके से, बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। रसबेरी का जूस तैयार करने के लिए हमें चाहिए रसबेरी। मैं मार्केट से एक बंडल लेकर आई हूं, क्योंकि आजकल बाजार वाले बहुत ही सुंदर तरीके से रसबेरी का बंडल बनाकर बेचते हैं। पहले जो रसबेरी मिला करती थी वो छिलके के अंदर अलग अलग मिला करती थी, लेकिन आजकल इसका बंडल मिलता है। ये बहुत तरह के रंग की होती है, जैसे लाल, नीली, पीली, काली और नारंगी। यहाँ पर मैं पीले रंग की 18 से 19 रसबेरी ले रही हूँ। अब मैंने एक बर्तन में साफ पानी ले लिया है। साफ पानी में इसे 2 बार धोएंगे, क्योंकि फलों के ऊपर काफी गंदगी आती है, तो इन्हें धोना भी बहुत जरूरी है। तो इन्हें अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद आप एक पैन ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए रसबेरी। और अब इसमें डालेंगे हम बॉईल करने के लिए पानी। तो मैं यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप पानी डाल दिया है और अब ये 2 कप यानी 2 कप पानी डाल दिया है। इसे रख देते हैं गैस पर। तेज गैस पर एक उबाल ले लीजिए, उसके बाद गैस को स्लो कर दीजिए। हमें केवल ब्लांच करना है 3 मिनट। 3 मिनट हो गए हैं, रसबेरी को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने एक चम्मच पर रसबेरी रख ली है और इसे हाथों से दबा करके देख रहे हैं। काफी अच्छी तरीके से दब रही है, इसका मतलब रसबेरी पककर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कुछ रसबेरी तो फट भी गई हैं, तो गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम आगे की प्रोसेस कम्प्लीट करेंगे। रसबेरी हमारी ठंडी हो गई है। अब रसबेरी को निकाल कर हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। ठंडा होने के बाद ही मिक्सी के जार में डालें, और ये जो पानी है आप इसे फेंके नहीं, बाद में इस्तेमाल में ले लें। अब मैं यहाँ पर 1/4 कप शुगर ले रही हूँ। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा मात्रा में लें, यदि कम खाते हैं तो कम मात्रा में लें। अब वही पानी इस्तेमाल में लीजिए जिस पानी में आपने रसबेरी को उबाला था। ढक्कन लगा लीजिए और इसे पीस लीजिए। ये लीजिए, हमने पीस लिया। और अब एक बर्तन के ऊपर रख लेते हैं छलनी, और इसमें डाल देते हैं ये पीसा हुआ रसबेरी का रस। चम्मच से घुमा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे जिसमें हमने रसबेरी को बॉईल किया था। और ये देखिए ऊपर आ गए हैं रसबेरी के बीज और छिलके। अब ये जो आते ना रस में तो मुंह का टेस्ट खराब कर देते, तो इसे निकाल देते हैं, हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जूस एकदम रेडी है। मैं इसे जार में भर देती हूँ चिल्ड करने के लिए। तो आपने देखा ना, 1 कप रसबेरी से कितना ज्यादा हमारा रसबेरी का जूस बनकर तैयार हुआ है। मेरी गारंटी है, यदि आप जूसर से निकालते तो इतना सारा जूस नहीं निकलता, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया, जब आप इस तरीके से निकालेंगे ना, तो आपको बहुत सारा जूस बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे रख देते हैं हम फ्रीजर में थोड़ा सा चिल्ड करने के लिए। मैं यहाँ 5 मिनट रख रही हूँ, तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो गए हैं, जूस को बाहर निकाल लेते हैं। जूस हमारा बिल्कुल तैयार है पीने के लिए, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे जूस बनाने की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब भी आप कोई कमेंट करते हैं तो मुझे फीडबैक मिलता है कि मेरी रेसिपीज कैसी बनकर तैयार हो रही हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल शालिनी जैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में सीधे हाथ पे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह नई रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।